जी एडवांस का पैटर्न हमेशा से एक सरप्राइज जैसा रहता है और ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ये पता चलता है कि किस तरह के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे वो शिफ्ट वन हो या शिफ्ट टू हो, वो सरप्राइज की तरह से उसी दिन खुलता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अब ऐसा नहीं है। अपकमिंग जी एडवांस के अंदर अब आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह के कैसे क्वेश्चन आएंगे। वो एनालिसिस मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, आखिर तक देख लीजिएगा, क्योंकि 2016 से लेके 2022 तक जिस तरह से पैटर्न में वेरिएशन हुए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के साथ पिछले 2 सालों में पेपर के पैटर्न को चेंज किया गया, उससे काफी सारी इनसाइट्स मिल रही हैं। सो उस इनसाइट का आउटकम मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा और आपसे एक एग्जांपल भी शेयर करूंगा, दैट विल गिव यू वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि जी एडवांस के पेपर में अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं कि किस तरह की चीजें आएंगी तो एग्जाम में क्वेश्चन अटैकिंग एबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। जी एडवांस के पेपर में अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो यह हमेशा ध्यान रखें, कोई भी टॉपिक इस पेपर में ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक साइंटिफिकली डिजाइन सीक्वेंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की मैं ब्लॉक स्ट्रेटजी की फॉर्म में आपको दे चुका हूं। अगर आपने इसके ब्लॉक 1 पे भी स्ट्रॉन्ग फोकस किया और कुछ टॉपिक अगर ब्लॉक 2 से भी रिप्लेस किया तो विद वेरी लिमिटेड स्टडी सर्टेनली आप आईआईटी में अपनी जगह बना सकते हैं। इस एग्जाम के बारे में अगर कोई आपको कहता है किसी भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, तो वो बात आईआईटीजेईई एग्जाम में वैलिडेट नहीं होती, क्योंकि इजी से इजी टॉपिक की अच्छी लैंग्वेज या लंबी लैंग्वेज से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बना के पूछ लिए जाते हैं और बच्चे ढेर हो जाते हैं। सो आप इस बात का ध्यान रखें, ब्लॉक स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग फोकस रखिए। और अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं किस तरह के क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, कि अपकमिंग जेईई एडवांस में पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें t.me/physicsgalaxyworld, क्योंकि जो रिसोर्सेज यहां पे आ रहे हैं, रिसेंटली हमने काफी सारे एडवांस प्रॉब्लम्स के Q&A डाले हैं, जी एडवांस की प्रिपरेशन हो, फिजिक्स ओलंपियाड हो, जी मेन हो या नीट हो, हर चीज के लिए जो रिसोर्सेज यहां पे हैं, दीज आर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर ऑल ऑफ यू। जी एडवांस के अगर पेपर के पैटर्न की बात की जाए तो पिछले 6 सालों में पेपर का पैटर्न एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोल्ड किया जा रहा है और पिछले 2 सालों में ये चीजें एक नया पैटर्न निकल के आया है कि 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में ही आ गए हैं। और पिछले 2016 से अगर मैं बात करूंगा तो 2016 से इस तरह से रेशियो ऑफ क्वेश्चंस चेंज किया जा रहा है कि फाइनली 4 तरह की आपकी एबिलिटीज को जज करने के लिए पेपर बनाया जाता है। सबसे पहला टाइप होता है एक्सपेरिमेंटल एप्टीट्यूड, लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आप ये मान के चले अराउंड, अगर 16 to 20 क्वेश्चन जी एडवांस के पेपर में है तो फिजिक्स में 3 से 5 क्वेश्चन तक ऐसे होंगे जो आपकी 11th, 12th एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिकल बुक्स में जो एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं डायरेक्टली उनसे लिंक होंगे, चाहे रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट हो, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट हो, ओम्स लॉ हो, पोटेंशियोमीटर हो, वो नोन एक्सपेरिमेंट जो आपके प्रैक्टिकल बुक्स या आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है उस पर बेस्ड होंगे। बट सर्टनली वैन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जेईई एडवांस के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है जिसको डीकोड करना बहुत जरूरी है। आप एग्जाम में पेशेंस रखेंगे सर्टनली आप उसको हिट कर पाएंगे। दूसरे तरह के क्वेश्चन होते हैं कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन, तो अगेन 3 to 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपकी कैलकुलस एबिलिटी को जज किया जाता है फिजिक्स के पेपर में, मगर इससे ज्यादा नहीं होते, 3, 4 या 5 मैक्सिमम लेवल है डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन पेपर में 16 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, इसी रेशियो में ये चीजें चेंज होती हैं। तो अपने बेसिक कैलकुलस एप्लीकेशंस को आप डेवलप करके रखिए। इरोडो एक ऐसी बुक है जिन स्टूडेंट्स ने करी है वो कैलकुलस एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है, नहीं भी करी है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैलकुलस एप्लीकेशन डेवलप कर लीजिए, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टफनेस लेवल पे चीजें नहीं जाती हैं। अगर हम तीसरे टाइप की बात करें तो वो है ग्रेड 9 और 10 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से फ्रेम किए हुए क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा आशीष सर पता नहीं क्या बात करें, 9, 10 कहां और कहां जेईई एडवांस, बट यस माय डियर स्टूडेंट, पिछले 3 सालों से ये एक वेरिएशन है कि अराउंड 25% क्वेश्चन, मतलब वापस से 3 या 4 क्वेश्चन हम ये कहें तो जेईई एडवांस के पेपर में 9th या 10th की एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। और मैं ऐसे ही एक एग्जांपल इस वीडियो के एंड में लूंगा और आप समझेंगे कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप केयरफुली रीड आउट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप सर्टेनली एग्जामिनेशन हॉल में आप क्लिक करके हिट कर ही लेंगे, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। चौथी कैटेगरी होती है जो थोड़े से OTBT लेवल जिसके अंदर इंटेंसिफाई होता है, यानी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स या ऐसे एप्लीकेशन पे बेस क्वेश्चन जो कि आपने अब तक एनसीईआरटी लेवल पे 11th 12th लेवल पे पढ़े ही नहीं हो, सर्टेनली इन क्वेश्चन को थोड़ा टफ कहा जा सकता है, लेकिन ये आपके सिलेक्शन के लिए बैरियर नहीं होते। ये वो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के अंदर जो टॉप 10 या टॉप 50 रैंक के लिए डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करी, अगर आप इसके ऊपर मेंटली रेडी रहते हैं और चीजों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं सर्टेनली आप हिट कर जाएंगे। 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा आपको बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं, अगर आपने फंडामेंटल लेवल के ऊपर जेईई मेन की तैयारी करी है तो कॉन्सेप्ट वही काम आ जाएंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं 2016 में आया हुआ क्वेश्चन जो आपके लिए आई ओपनर की तरह से होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन 9th 10th लेवल से पूछे गए हैं और 2016 से 2022 तक ऐसे क्वेश्चंस का नंबर स्टैंडर्डाइज होता जा रहा है, 3 या 4 क्वेश्चन हर साल अब पूछे जाते रहे हैं जबकि पहले इतना नहीं पूछे जा रहे थे। आइए बात करते हैं, पोजी प्लीज क्वेश्चन को ओपन करें।
थैंक यू भोजी. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने, इट वाज आस्क्ड इन ईयर 2016 और जेई एडवांस का ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 9th-10th ग्रेड का ही क्वेश्चन है. अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप समझ जाएंगे. क्वेश्चन आप बोर्ड पे फॉलो कीजिए, मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट करूंगा. हमारी फिजिक्स गैलेक्सी की जो जेई एडवांस PYQ की बुक है, इस बुक की खास बात ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फॉलोइंग. इसके डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस पास्ट 20 ईयर्स के PYQs जेई एडवांस के चैप्टर वाइज इस तरीके से सॉल्व किए गए हैं कि जब आप इनके सॉल्यूशंस को सॉल्व एग्जाम्पल मेथड फॉलो करके स्टडी करेंगे तो आप ये मान के चलिए वो दिमाग में ऐसी माइंड प्रोवोकिंग लेवल पे बिल्डअप होते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक जेई एडवांस लेवल की चीज़ें आप दिमाग में रिटेन कर सकते हैं. अभी तक अगर आपने जेई एडवांस PYQ की कोई बुक नहीं ली है तो इसका लिंक पिन कमेंट में है, ज़रूर ऑर्डर कर लीजिएगा और मंगवा लीजिए. कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दिस हैज़ ऑलरेडी बीन बेस्ट सेलर्स. सो आइए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो 2016 में पूछा गया था. मैं स्टेप बाई स्टेप क्वेश्चन को रीड आउट करूँगा. जेई एडवांस के बारे में मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चंस को टुकड़ों में तोड़ के समझ समझ के आगे बढ़ना है. अगर आपने वन गो में फ्लो में क्वेश्चन को रीड किया तो बाउंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. आइए देखते हैं. क्वेश्चन सेज अ वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी 120 लीटर कैन कूल वाटर एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ पी वॉट्स. यहाँ पे डायग्राम सिंप्लिसिटी के लिए बनाए, कूलर है, इसकी पावर पी वॉट दी हुई है, लेकिन ये कूलिंग पावर है, यानी ये जो वाटर आता है इसके अंदर उसको कूल करने के लिए पर यूनिट टाइम जितनी हीट निकालता है वो पी वॉट है. पावर हमेशा दी नहीं जाती, निकाली भी जाती है. दिस इज अ कूलिंग पावर गिवन इन द क्वेश्चन. इन अ क्लोज्ड सर्कुलेशन सिस्टम एज शोन इन द फिगर, इट सेज द वाटर फ्रॉम द कूलर इज यूज्ड टू कूल एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट जनरेट्स कॉन्स्टेंटली 3 kW ऑफ हीट. यानी ये वाटर यहाँ से कोल्ड वाटर जाता है, इस डिवाइस में घूमता हुआ वापस आता है हॉट वाटर, इस डिवाइस को कूल किया जा रहा है और इसकी पावर ऑफ डिवाइस दी हुई है 3×10³ वॉट. यानी ये हीट प्रोड्यूस कर रही है डिवाइस एट अ रेट ऑफ 3000 J/s. नाउ इट इज सेइंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर फेड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30°C एंड द एंटायर स्टोर्ड 120 लीटर ऑफ वाटर इज इनिशियली कूल टू 10°C. यानी इनिशियली इस कूलर के वाटर का टेम्परेचर 10°C है और जब ये फीड किया जा रहा है तो इसके बाद घूम के इस वाटर का टेम्परेचर 30° से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, अदरवाइज हो सकता है डिवाइस ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए. ये चीज़ें आप दिमाग में ला सकते हैं. तो ये जो हॉट वाटर आ रहा है फाइनली ये 30°C के ऊपर आ रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर इतना ही रखा जा सकता है. तो इसमें जो 120 लीटर यानी 120 किलोग्राम ऑफ वाटर कूलर में यूज़ किया गया है, इसका टेम्परेचर हम मैक्सिमम 10°C से 30°C तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते. नाउ क्वेश्चन सेज वी आर रिक्वायर, इट इज सेइंग द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, कहीं और से हीट एनर्जी आ जा नहीं रही है. इट इज़ आस्किंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, ये पी निकालना है, फॉर विच द डिवाइस कैन बी ऑपरेटेड फॉर 3 hours. यानी 3 घंटे तक ये सिस्टम काम कर सके, यानी 3 घंटे में इस पूरे 120 लीटर वाटर का टेम्परेचर 10 से अगर 30 तक पहुँच जाएगा तो ये डिवाइस 3 घंटे तक चल जाएगी, उसके बाद नहीं चलेगी क्योंकि फिर ये 30 से भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. 30 से ज़्यादा करना अलाउड नहीं है, हमारे पास 3 घंटे का टाइम है. सो माय डियर स्टूडेंट, ये इतना एलिमेंट्री क्वेश्चन है 9th-10th, जहां आपने स्पेसिफिक हीट पढ़ी है उसी से क्वेश्चन Q=mS∆T से सॉल्व होता है. द क्वेश्चन इफ यू हैव अ लुक, डिवाइस में 3×10³ वॉट पावर जनरेट हो रही है, तो अगर हम एनर्जी देखेंगे विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन 3 hours, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3×10³ × 3 × 3600. यानी इतने जूल ऑफ हीट इस डिवाइस में प्रोड्यूस होगी और हमें इसको हीट अप नहीं होने देना, यानी इतनी हीट यहाँ से निकालनी है और पानी को गर्म करने में यूज़ करनी है, साथ में कूलिंग डिवाइस भी पावर निकाल रही है. तो अगर यहाँ पे बात करेंगे ई एक्सट्रैक्शन इन 3 hours, 3 hours में कितनी हीट ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि पी वॉट यूज़ करता है पावर, तो पी इंटू 3×3600, इतने जूल ऑफ एनर्जी ये निकाल लेगा. हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय वाटर इन 3 hours, तो वाटर 120 लीटर है, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में वाटर की स्पेसिफिक हीट गिवन है 4.2×10³, मल्टीप्लाइड बाय 10 से 30 तक उठाना है, तो mS∆T इज 20. द क्वेश्चन इज ओवर माय डियर स्टूडेंट्स. इतनी हीट हमको निकालनी है और ये हीट किस काम में जाएगी, मैं सिर्फ एनर्जी इक्वल टू P×T यूज़ कर रहा हूँ या एनर्जी इक्वल टू mS∆T यूज़ कर रहा हूँ, जो आपके 9th-10th लेवल की NCERT की ही चीज़ें हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन में कहानी दिखाई दे रही है. जो मैंने कई बार कहा लंबे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को पढ़ के कन्फ्यूज़ होकर छोड़ देते हैं, आपने अटैम्प्ट किया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना कि आप क्या करते इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए, करते या छोड़ देते. और अगर आपको लग रहा है कि ये एक आई ओपनर चीज़ है कि इतने क्वेश्चंस हर साल जेई एडवांस के पेपर में 3 से 5 क्वेश्चन तक ऐसे होते हैं जो 9
नाइन्थ टेंथ की नॉलेज से सॉल्व होते हैं, जिनमें ना तो कैलकुलस यूज होती है ना ही कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसी तरह के कॉन्सेप्ट से हैंडल होते हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करके जाना, क्योंकि ये आपका जेईई एडवांस में जबरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। सो क्वेश्चन ईजी होते हैं, लैंग्वेज और कहानी होती है जो हमें कन्फ्यूज करती है। इसके बाद का काम सिर्फ इतना सा है, ये जो ई इन थ्री आर आपने लिखा है, यू नीड टू इक्वेट इट टू ई एक्सटर्नल और ई एक्सट्रैक्टेड इन थ्री आर्स प्लस ई यूज बाय वाटर। बस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पी का वैल्यू आ जाएगा इन वॉट, ये क्वेश्चन का आंसर है। आप यहाँ पे आंसर मार्क करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा पर्पस इतना सा ही था कि जो मैंने पैटर्न ब्रेकअप इस वीडियो में आपको समझाया, अगर वो आपके दिमाग में बैठ रहा है तो इस वीडियो को रिवाइंड करके वापस से उस पैटर्न ब्रेकअप को देख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जेईई एडवांस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा और फिजिक्स के अंदर जबरदस्त बूस्ट ले सकते हो कंपेयर टू मैथ्स एंड केमिस्ट्री। और हर साल होता है, जो स्टूडेंट पीक लेवल पर सेलेक्ट होते हैं सर्टेनली उनके लिए फिजिक्स एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की तरह से काम करता है। विश यू ऑल द बेस्ट।